Hello everyone, welcome again to my channel CMS Academy. Now we are going to discuss about the limitations of accounting. The first limitation of accounting is not fully exact. Why it is so? क्योंकि इसमें क्या होता है कि we record the transactions on the evidence, yet we are ascertaining the profit and loss also by that. For example, estimating the useful life of assets. ये हम लोग एस्टिमेशन लेते हैं, मतलब कि हम एस्टिमेट करते हैं कि दैट पर्टिकुलर मशीनरी आर यूज्ड इन अ बिजनेस फॉर 10 ईयर्स, बट इट इज नॉट सो. कई बार क्या होता है, मशीनरी पहले भी ख़राब डेप्रिसिएटेड हो सकती है या बाद में कोई उसकी लाइफ भी लॉन्ग हो सकती है. तो ये हमारे अकाउंट्स होते हैं, दे आर नॉट फुल्ली एग्जैक्ट. नेक्स्ट वन इज अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन. एज वी नो दैट ऑल द अकाउंटिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ accounting principles, concepts. So one of the concept is going concern concept. We assume that the business is going on for a longer period of time. और ये भी हमारा ज़रूरी नहीं है कि business profit पे ही चले जा रहा है और बहुत लंबे समय के लिए चलेगा. तो ये एक हमारे accounting की एक limitation हो जाती है. Going concern concept का मतलब होता है कि the business is run for a long period of time. उसके बेसिस पे हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल. समटाइम व्हाट हैपन, बिजनेस लॉसेस में जाता है तो हम कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही उसको क्लोज कर देते हैं. अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स. एज वी नो दैट इन अकाउंटिंग ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट आर इन द फॉर्म्स ऑफ मनी, दैट आर इन द टर्म्स ऑफ मनी, मतलब ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ही हम बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं. सो द ऑनेस्टी एंड ओबिडेंस और द क्वालिटी, हार्डवर्क, ये सारी चीज़ें, मैनेजमेंट का एफिशिएंसी, सब अवॉइड हो जाती हैं, उससे रिकॉर्डेड नहीं होती हैं. द नेक्स्ट लिमिटेशन इज अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट्स ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस. एज वी नो दैट अकाउंटिंग इज प्रिपेयर्ड ऑन द हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड वी नो द मनी और द प्राइजेस चेंजेस फ्रीक्वेंटली, सो द अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट और एक्यूरेट. अकाउंटिंग में लीड्स टू विंडो ड्रेसिंग. As we know that window dressing means manipulating the business transaction. वो business transaction को इस तरह manipulate करते हैं कि business आपका लगता है कि बहुत अच्छा grow कर रहा है, तो इसका मतलब वो कुछ हमें unfair transactions भी record करने पड़ जाते हैं. उससे हमें क्या effect पड़ता है कि profit हो रहा है या loss हो रहा है business का, हम real में नहीं पता कर पाते हैं, and we are not able to know the real और द करेक्ट पोजिशंस ऑफ असेंट्स एंड लाइबिलिटीज. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. एज एन इन्फॉर्मेशन सिस्टम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन, क्लासीफाई दैम एंड समराइज टू प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट टू देयर यूजर्स. अकाउंटिंग बिगेन्स विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड विद द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. दे आर इनकम स्टेटमेंट बाई विच वी नो द प्रॉफिट एंड लॉस and the balance sheet by which we know the position of assets and liabilities. Types of accounting informations means हमें ये जो informations accounting से क्या होती है, mainly we are get three types of informations. First is information regarding the profit or surplus. Second one is information regarding the positional statement. Third one is information regarding the cash flow. So by the first point we are getting the information, उससे हमें पता चलता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस है. सेकंड से हमें पता चलता है इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन. फाइनेंशियल पोजीशन मींस द पोजीशंस ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज. द थर्ड वन इज इन्फॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो. कैश फ्लो से हमें पता चलता है कि व्हाट इज द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द कैश इन द बिजनेस. इसका मतलब कि कैश बिजनेस में कितना कैश आ रहा है और कितना कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है. यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. एज आई अर्लियर told you that there are two types of users, one is internal users and the other one is external. Internal users में हमारे owners, management and employees आते हैं. Now we are talking about the owners. Owners, as we know that owners are the person who invested the money in the business in the form of capital and having to bear the maximum risk. वो होते हैं owners जो कि business में पैसा लगाते हैं और उनको ही सबसे ज़्यादा risk bear करनी पड़ती है. Risk बियर करने का मतलब कि यदि बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है तो उनको लॉस सफर करने पड़ जाते हैं. सो दे आर इंटरेस्टेड टू नो द
इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रॉफिट एंड लॉस एंड द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। मैनेजमेंट, नाउ मैनेजमेंट क्यों इंटरेस्टेड रहता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए? टू मेक द डिसीजन रिगार्डिंग द फ्यूचर प्लान्स एंड पॉलिसीज एंड टू असर्टेन द कॉस्ट एंड हाउ टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड हाउ टू रेज द फंड्स। इसलिए मैनेजमेंट के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होती हैं। नाउ द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि उनको ये रहता है कि यदि बिजनेस प्रॉफिट्स में रन करेगा सो दे आर गोइंग टू गेट द बोनस। एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस दैट इफ दे आर रनिंग इन अ गुड पोजिशन सो द बिजनेस इज गोइंग टू मेंटेन द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है कि दैट फंड इज प्रिपेयर्ड बाय बोथ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयज जो होते हैं वो कुछ पार्ट ऑफ सैलरी उसमें डिपॉजिट करते हैं और सेम पार्ट ऑफ सैलरी इज डिपॉजिटेड बाय द एम्प्लॉयर ऑल्सो, सो दे आर बेनिफिशियल इन देयर फ्यूचर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं बैंकर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्रेडिटर्स, डेटर्स, गवर्नमेंट्स एंड इट्स अथॉरिटीज, रिसर्चर्स, पब्लिक, कंज्यूमर्स, इन्वेस्टर्स। नाउ फर्स्ट इज बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। दे आर इंटरेस्टेड टू नो द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस बिकॉज दे प्रोवाइड द लोन्स टू द बिजनेस। तो उनको ये रहता है कि यदि बिजनेस अच्छा रन कर रहा है देन ओनली दे आर प्रोवाइडिंग द लोन्स फॉर द सेफ्टी दैट दे आर द बिजनेस मैन और द बिजनेस इज एबल टू पे बैक द लोन्स एंड इट्स इंटरेस्ट एट टाइम। सेकेंड इज इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर एज वी नो दैट द पर्सन हु इन्वेस्ट द मनी इन द बिजनेस। अब उसने पैसा लगा रखा है अपना बिजनेस में तो वो ये चाहेगा कि उसको सारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिले ताकि उसे पता चले कि हाँ जो उसने पैसा इन्वेस्ट किया है वो सेफ है या नहीं है। क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आर द पर्सन हु सेल द गुड्स टू द बिजनेस ऑन क्रेडिट। यदि कोई उधारी पे मतलब क्रेडिट पे गुड्स बिजनेस को सेल करता है तो वो भी उसके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड रहता है ताकि उसको पता चले कि बिजनेस अच्छा चल रहा है और उसको उसका पैसा समय पे रिटर्न मिल रहा है। नाउ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस। क्यों? ताकि उसको ये पता रहे कि वो प्रॉपरली उनको टैक्स पे कर रहे हैं या नहीं और टू असर्टेन द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। By the accounting information, government also able to know that the business concern is following all the rules and regulations of the government. Researchers, they use the accounting information for their research work. Consumers, consumers are also interested in the accounting informations. क्यों? ताकि उनको पता चले कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है तो बिजनेस अच्छा रन हो रहा है। एंड एज वी नो दैट द गवर्नमेंट ऑल्सो फिक्स प्राइजेस फॉर द सम प्रोडक्ट्स। तो यदि बिजनेस अच्छा रन होएगा तभी वो प्राइजेस मेंटेन कर पाएंगे। और कंज्यूमर इसलिए भी इंटरेस्ट रहता है कि कहीं प्राइस में फ्लक्चुएशन ना हो, मतलब कि कोई प्राइजेस बढ़ या घट ना रहे हों। पब्लिक। पब्लिक ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द बिजनेस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। उससे उनको ये पता चलता है कि ये बिजनेस जो चल रहा है they are able to provide the employment to the public or not, or they are also helpful for the welfare, or they are working for the welfare of the society. The next topic is qualitative characteristic of accounting information. In that, the first one is reliability. Reliability means that the information are reliable or verifiable or free from any bias. Relevance. Relevance means the accounting information are of that type that they are meet the needs of the users. They are useful for the decision making of the users. Understandability, the next point, means that the information, that the accounting informations are in that form that they are understand by the users of the information. Easily understand, matlab wo acche se samajh mein aa jaye. Now the next one is comparability. It means comparison. So there are two types of comparison we have already discussed, intra-firm and inter-firm. Intra-firm comparison means the comparison of the accounting information within the firm for previous year and the current year, and inter-firm means the comparison between the two firms of same nature. The next topic is system of accounting. As we know that there are two types of accounting, one is double entry system and the other one is single entry system. Now what do you mean by the double entry system? Double entry system is a modern form of accounting in which the business transactions are recorded in two ways, that is
business transactions are having two effects. One is the debit effects and the other one is the credit effects. In the single entry system, it is also known as the incomplete record of accounting. Why it is so? Because in that, some transactions are having dual aspects, matlab double entry system basis pe record hote hain, and some are only recorded on the single entry, means ek hi uska effect hota hai. And in that, only the personal accounts and the cash books are maintained. For the detailed explanation of double entry system, I will upload a new video. Thank you. Have a nice day.